नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। राशिफल 15 और 16 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का अच्छा और बुरा समय और पांचांग की जानकारी, उसके बाद जानेंगे राशिफल और विशेष। 15 तारीख का पांचांग रहेगा, सूर्योदय 7:09 पर, सूर्यास्त 5:21 पर, पक्ष है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नक्षत्र है मूल 9:31 PM तक, वार मंगलवार, चंद्र राशि होगी धनु, अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से लेकर 12:36 PM तक, राहु काल है 2:48 PM से लेकर 4:05 PM तक। 16 तारीख का पांचांग जानते हैं, सूर्योदय होगा 7:10 पर, सूर्यास्त होगा 5:22 पर, पक्ष है शुक्ल पक्ष द्वितीय, योग वृद्धि, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 8:04 PM तक, चंद्र राशि धनु 1:48 AM तक 17 दिसंबर तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है, राहु काल है 12:16 PM से लेकर 1:32 PM तक। तो ये था इन दोनों दिनों का शुभ अशुभ समय और पांचांग की संक्षिप्त जानकारी। अब आपका जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी है आज के दिनों में, तो आपको शुभकामनाएं। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। राशिफल की शुरुआत करते हैं और राशिफल के बाद आपको मैं कुछ विशेष बताऊंगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आपको जीवन का सारा सुख लगभग लगभग प्राप्त हो जाएगा। जितना एक दिन में इंसान को सुख मिलना चाहिए वो आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज आपको जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से विवाहित लोगों का बहुत बढ़िया दिन बीतने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उनका साथ, उनका प्यार मिलेगा। मन की इच्छाएं एक दूसरे की लोग पूरी करेंगे और जो लोग अविवाहित नहीं है वो लोग निराश ना हो, उनको घर के अन्य सदस्यों का, परिवार के अन्य सदस्यों का साथ मिलेगा। अगर किसी मित्रता में है, प्रेम संबंध में है, तो साथी का साथ मिलेगा। विवाहित लोग रोमांटिक मूड में रहेंगे। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का समय उत्तम है। व्यापारी वर्ग को नए साझेदारी में आज जाने का मौका मिल सकता है या कोई बात पक्की हो सकती है नए साझेदार के साथ में। व्यापारी वर्ग के लिए भी बढ़िया दिन है। आज आपकी जमा पूंजी जो है वो बढ़ेगी, जमा पूंजी का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। नौकरी व्यापार में प्रगति भी होगी और नौकरी व्यापार में आपकी जो पहचान है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो भी मजबूत होगी और आप अपने काम के प्रति समर्पित भी रहेंगे। नौकरी हो, व्यापार हो, इन सब में कोई तकलीफ आज नहीं है। सेहत भी ठीक रहेगी। खाने पीने के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। रोज की तरीके से नियमित व्यायाम करें, सर्दी बढ़ रही है, अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द का ख्याल रखें। आपके घर में कुछ मिलने जुलने वाले लोग आ सकते हैं। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी, कोई उत्सव हो सकता है, आप इंजॉय करेंगे। कुल मिलाकर आज आप पहले वो काम करें जिसकी आवश्यकता है, तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम को आगे बढ़ाएं। यानी कि नंबर 1 पे क्या करना है, नंबर 2 पे क्या करना है, यानी थोड़ी सी प्लानिंग कर लें कि कैसे कैसे आपको काम अपने शुरू और ख़त्म करने हैं। कारोबारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, आपका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, आपको नौकरी व्यापार में अपने साथियों का साथ मिलेगा, आगे बढ़ने की चाहत होगी, महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी बात जो है वो लोगों को समझ में आएगी, आप लोगों का दिल जीत लेंगे, समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, समाज में बड़े और अच्छे लोगों का साथ प्राप्त होगा, घर परिवार के लोगों का साथ आपको मिलेगा। आप घरेलू महिलाएं हैं या बच्चे हैं या किसी भी तरीके से घर से जुड़े हुए काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। अनसुलझी पहेलियाँ सुलझ जाएंगी। अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव प्राप्त होंगे। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से किससे दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग को व्यापार चलाने के लिए कोई छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो बढ़िया रहेगी। विवादित मामले भी आपके पक्ष में हो जाएंगे। आज लड़ाई झगड़े सुलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ससुराल से लाभ होगा। आपकी सेहत जो है वो बढ़िया होगी। संतान आपकी आपके बात मानेगी। सेहत के प्रति मैंने पहले कहा थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, यानी कि खान पीन के मामले में संतुलन बना के रखिएगा, एक्सरसाइज करिएगा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। उनको संघर्ष करना पड़ सकता है। आपकी चिंताएं समाप्त होंगी और यह वक्त है कुछ बढ़िया करने का, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का।
किसी भी नए काम का श्री गणेश कर सकते हैं। पुराने काम को बंद करके नया काम शुरू हो सकता है। कुछ पुरानी योजनाओं में फेरबदल करके उन योजनाओं को नया रूप रंग दिया जा सकता है। संतान का जन्म या किसी नए से रिश्ता जोड़ने की खुशी में आज आप थोड़े से पागल या आनंदित हो सकते हैं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमेशा आगे बढ़ेगा, तो ईमानदारी से बढ़ते रहिए। आज भगवान की कृपा आपके ऊपर बरत रही है, आज आपको सब कुछ मिलेगा और विशेष सब ये है कि आज आप खुश रहेंगे। तो उम्मीद है आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी और आपका दिन आज यादगार बना रहेगा। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, भगवान विष्णु की उपासना करिए, सब मंगल ही मंगल होगा। और आपके साथ कोई अमंगल ना हो और आप हमेशा खुश रहें, इसके लिए अब आगे का वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, शनि की साढ़े साथी हो या किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव हो, दूर तो हमें करने ही पड़ते हैं। बिना उनको दूर किए हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब सोमावती अमावस्या का शुभ दिन है और हमने आपको दो दिन पहले बताया था कि आज के दिन हम कुछ F-38 जो हमारा पैकेज है जिसमें सात मुखी रुद्राक्ष है, लाजवंत रत्न है, फिरूजा है और एक मैजिक रत्न है, इसको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे और स्पेशल तौर पे, बाकी हम सबको करते हैं लेकिन आज का दिन अच्छा है तो आज कुछ पैकेजेस को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे हमारे योग्य सीनियर पंडितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, और उसका विशेष महत्व होगा और वो फिर आपको भेजे जाएंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप में से जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो लोग उठा भी सकते हैं। तो हम आपको जो दे रहे हैं F-38 जो कोड है प्रोडक्ट का, उसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है फिरोजा रत्न और ये मिल रहा है आपको लाजवंत रत्न और ये मिल रहा है आपको सातमुखी रुद्राक्ष। ये सब कुछ चांदी में जड़ा हुआ होगा यानी मढ़ा हुआ होगा जिसमें चांदी और अन्य धातुओं की उचित मात्राएं मिली होंगी। ये सारा कुछ प्राण प्रतिष्ठित है, विशेष मुहूर्त, विशेष पंडितों द्वारा, विशेष योग्य ब्राह्मणों द्वारा इसको मंत्रों से अभिषेक किया जाता है इनका। इसके साथ साथ ये असली हैं, ओरिजिनल हैं, इसकी आपको पूर्ण गारंटी दी जाती है। इसके साथ साथ ये आपको असर करेंगे आपके जीवन में, शनि राहु केतु संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होंगी, शुभ ग्रहों का साथ मिलेगा, अशुभ चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, जीवन में प्यार, पैसा, धन, दौलत सब कुछ आएगा, शिक्षा अच्छी होगी, देश विदेश की यात्राएं हो सकती, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, यानी कि कुल मिला के सब कुछ बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा जादू टोना इन सबसे मुक्ति मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको आपके जीवन को और अच्छा बनाने में मदद करेंगी। हजारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया है, आप भी उठा सकते हैं। आज जब आप ये राशिफल देख रहे हैं, ये राशिफल 15 तारीख और 16 तारीख का है, तो इस F-38 की बुकिंग 15 और 16 तारीख को तक चलेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक था वो इतना ही था। तो इन दो दिनों में जो लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं और विशेष मुहूर्त पर ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, आप लोग इसके लिए F-38 लिखकर भेज दें। चार चीज़ें आपको मिलेंगी, सातमुखी रुद्राक्ष, लाजवंत रत्न और इसके साथ में आपको फिरोजा रत्न और एक मैजिक स्टोन। ये मैंने आपको अभी दिखाया, ओरिजिनल, शुद्ध, प्रमाणित, हर तरीके से लाभ देने वाला, चांदी में बढ़ा हुआ, लॉकेट के रूप में आपको मिलेगा। और कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी विधि आपको दी जाएगी। जीवन की समस्त समस्याएं जो हमें आंखों से दिखती हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं, उनसे मुक्ति पाने का एक सरल तरीका ये हो सकता है। अगर आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में खुशियां और सफलता मिले, भाग्य का सपोर्ट मिले, तो आप ले सकते हैं। F-38 यानी 3,800 रुपये इसकी कीमत है। इसमें जो रत्न है उसका जो वजन है वो 5 से 6 कैरेट का है। F-51 सेम चीज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें जो वजन है स्टोन्स का वो करीब 8 से 9 कैरेट का है, तो उसकी कीमत 5,100 रुपये है। तो F-38 या F-51 लिख कर भेजेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और महिला हो पुरुष हो, सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं, बच्चे भी धारण कर सकते हैं। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है कि आप महिला हैं तो नहीं धारण कर सकती, पुरुष हैं तो कर सकते हैं, ये सभी के लिए है। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने के लिए, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को
व्यापार की समस्या है, किसी के शरीर में दर्द है तो वो भी दूर होगा, दिमाग में दर्द है तो वो भी दूर होगा, यानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। किसी के पास सब कुछ है लेकिन दुनिया ने नजर लगा रखी है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित हैं, तो उन सब से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में खुशियां लाने का एक छोटा सा रास्ता ये हो सकता है। तो F38 और F51 लिखना ना भूलें, और ये याद रखिए सिर्फ 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो बुकिंग करा लें या फिर आप इसकी पेमेंट कराकर इसको ले लें। अंतिम बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है हमारे अन्नदाता यानी किसान जिन्होंने कुछ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, जो भी उनकी शर्तें हैं, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन किए हुए हैं और जिसकी वजह से वो अपनी धरना प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं, हमें सिर्फ आपको ये बताना है कि बॉर्डर्स सील हो जाने की वजह से ये सामान है, इसकी आवाजाही में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम बॉर्डर के उस तरफ नहीं जा सकते, वो इधर नहीं आ सकते, स्टाफ की कमी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ है। तो इस तकलीफ़ की का जो सीधा असर पड़ता है वो पड़ता है चीज़ों को आप तक भेजने में। तो आप तक जो चीज़ें भेजी जा रही हैं उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है इस वजह से, क्योंकि कोरोना ऑलरेडी चल रहा है और ऊपर से इस तरीके के धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं उससे थोड़ा बहुत हमारे काम पर फर्क पड़ता है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें, आपकी चीज़ें विलंब से ही सही लेकिन आप तक अवश्य पहुँचेंगी, इसमें आपके सहयोग की हमें आवश्यकता होगी। तो आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और जीवन को सुखी बनाने के लिए आप लोग प्रयास करें, और इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो लोग अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करें और ईश्वर उनको आशीर्वाद दे और वो सुखी रहें, समृद्ध रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे साथ साथ आप सब लोग और देश भी तरक्की पाता रहे। नमस्कार।